हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर 3 को, एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दैट प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। अरे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो जी साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 6 क्या था जी, 1/2 था, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 1/2 का होल स्क्वायर। टेन पाई बाई 4 1 का स्क्वायर। ये हो गया जी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम लेंगे जी, 4 आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 4 कितना होगा, 2 माइनस 4 बाई 4 यानी माइनस 2 बाई 4 यानी माइनस 1/2। यही तो तुम्हारा राइट हैंड साइड में है, यस, यही प्रूफ करना था, माइनस 1/2, यस, हेंस प्रूव्ड। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो जरा सॉल्व करने में देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉसेक स्क्वायर वाले भैया हैं जो थोड़ा सा ड्रामा कर सकते हैं, तो स्क्वायर में है सारे ड्रामे, इनके धरे के धरे रह जाने हैं। चलिए टेकिंग एल एच एस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो जी साइन स्क्वायर पाई बाई 6 तो 2 इंटू क्या, रूट थ्री बाई टू नहीं, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक, 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, पाई प्लस पाई बाई 6 इसका स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कितना हो गया जी, वो हो गया 1/2 का स्क्वायर। पाई प्लस पाई बाई 6 यानी पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है नेगेटिव, तो पुट कर दो जरा, ये हो गया जी 2 इंटू 1/4 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 माइनस में उसका स्क्वायर इंटू 1/4। तो ये हो गया जी 2 से ये कटा, तो बचा क्या 1/2 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 होता है जी 2, तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 1/4, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, ये 4 इस 4 को ले गया, बचा क्या 1/2 प्लस 1। एलसीएम लो 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 विच इज द रिक्वायर्ड आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, यस। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो भाई साहब फिर इसमें भी कॉसेक का ही एक झमेला है जो है, पर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ऐसे कितने हमने तोपची को ढा दिया है ना, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ढा देंगे। अरे सॉल्व करेंगे भैया, काहे ढा रहे हो, चलो सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग एल एच एस क्या है जी, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6, यही है एल एच एस में, यस। कॉट पाई बाई 6 कितना होता है जी, रूट 3 उसका स्क्वायर। कॉसेक 5 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 टाइम्स टेन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा पाई माइनस यानी पाई माइनस पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया जी 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/3, तो ये हो गया जी 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 होता है कितना 2 प्लस 3 से ये 3 गया 1, 3, 2, 5 प्लस 1, 6, यही है तुम्हारा राइट हैंड साइड, हैंस
प्रूव्ड। कोई दिक्कत, चले आगे। यस बेटा, वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार कर लिया तो दोबारा मत करें, है ना। एक बार करने के बाद दोबारा करने पर अनसब्सक्राइब हो जाता है बेटा। वो बटन दबा के सपोर्ट करना होता है, ना कि उससे खेलना है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 sin² 3π/3 3π/4 प्लस cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल टू 10। तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। टेकिंग LHS 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3। चाहो तो इस 2 को पहले हटा लो कॉमन करके और अंदर सब सॉल्व कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, उसे रखने दो, क्या दिक्कत है उससे। इसको हम लिख सकते हैं 2 sin π - π/4 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 1/√2 का होल स्क्वायर, और sec π/3 होता है जी 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए π - π/4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया जी sin π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 4। देखो बेटा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर स्क्वायर है तो पॉजिटिव नेगेटिव है, बात बराबर है, लेकिन एग्जामिनर ये चीज़ देखेगा कि आपने अंदर लिखा क्या है। नेगेटिव लिख दिया, नंबर काट देगा, है ना। तो ये हो गया जी 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 8। ये हो गया जी 2 × 1/2 प्लस 1 + 8, ये कटा आया 1। 1 + 1 + 8 = 10 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तुम्हें प्रूफ करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यस चलिए जी, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व हो रहे हैं बच्चों। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है जी वैल्यूज। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड टेन 15। बीच से एक लाइन ले लेते हैं, एक तरफ साइन 75 एक तरफ टेन 15 निकाल देते हैं। यस फर्स्ट वन इज साइन 75। साइन 75 को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 45 + 30। यस ये हो गया जी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत, साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है जी 1/2। ये हो गया √3/2√2, ये हो गया जी 1/√2। डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया जी क्या, ये आपका साइन 75 क्या आ रहा है, 1 + √3/2√2। साइन 15 में देखा था कुछ इसी तरीके से आ रहा था, 1 - √3/2√2 करके आ रहा था ना, तो उसी तरीके से सॉल्व होंगे। देखो सब, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू निकालो। ठीक चलो अब नेक्स्ट क्या है, 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री कैन बी रिटन एज 10 45 डिग्री - 30 डिग्री। ये हो गया जी 10 of 45 - 10 of 30 / 1 + 10 45 - 10 30। ये आ गया 1 - 10 30 कितना होता है जी 1/√3 / 1 + 1 × 1/√3। यहाँ से आया जी √3 - 1/√3 × √3 / √3 + 1। ये दोनों कट गए, आया जी √3 - 1 / √3 + 1। रैशनलाइज कर दीजिए, ये आ गया √3 - 1 / √3 + 1 × √3 - 1। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो गया जी 3 + 1 - 2√3 / 3 - 1, हो गया 4 - 2√3 / 2। 2 कॉमन लिया, 2 - √3 / 2, ये 2 2 गया, क्या बचा जी
टू माइनस रूट थ्री। आई होप क्लियर होगा सभी को, यस। चलिए बहुत अच्छी बात है, मज़ेदार सवाल सॉल्व हो रहे हैं सबसे। आते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। यस, यू हैव टू प्रूव दैट कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस वाई, माइनस साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। चलिए करते हैं सॉल्व जरा इसको। टेकिंग एल एच एस, कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस वाई, माइनस साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस वाई। देखो बेटा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बहुत टाइम लगाओगे आप सॉल्व करने लग जाओगे कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, है ना। उसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। आपके पास एक और फॉर्मूला है, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू एक करके, एक साइन ए साइन बी करके। तो टू तो कहोगे सर टू तो है नहीं, तो ले आओ भैया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन बाई टू इंटू टू टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस वाई, और उसी तरीके से माइनस वन बाई टू टू टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस वाई। लिख सकता हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब लगा दो, टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया वन बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई, ठीक है, और प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस वाई, ठीक है। उसी तरीके से साइन में क्या हो जाएगा जी, माइनस टू साइन ए साइन बी हो जाता है जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो गया प्लस वन बाई टू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये हो गया वन बाई टू कॉस, पूरे में से एक काम करो वन बाई टू को कॉमन ले लो, यहां से अंदर बचा जी कॉस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना हो गया जी, टू पाई बाई फोर यानी पाई बाई टू, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस, ये पाई बाई फोर गया, माइनस कॉमन लिया एक्स प्लस वाई, वेट ये प्लस होगा ना सब, ये थोड़ा ध्यान से करना है, ये प्लस 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 और माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्या आएगा जी आपके पास, ये माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है जी, प्लस में है तो कॉस, ये आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, और यहां से क्या बचा जी, माइनस कॉस माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये और ये देखो कट गए, है ना, कोई दिक्कत, ये दोनों गए, यही दोनों परेशान करते, ये दोनों भाई साहब को हमने रवाना कर दिया। तो यहां से आया आपके पास क्या बेटा, वन बाई टू टाइम्स, अब ये और ये सेम है, टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टू से ये टू कट गया, बचेगा क्या, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा, है ना, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूफ करना था, है ना, कोई डाउट यहां तक, फॉर्मूला याद रखना, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। चलें आगे, चलिए जी सॉल्व करते हैं आगे।
नेक्स्ट वन इज 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। देखो दोनों ही सिंपल फॉर्म में है ही नहीं, है ना, बट हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, शुरू करते हैं टेकिंग LHS। क्या है जी LHS में, 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। आइडेंटिटी लगाओ कौन सी, 10 ए प्लस बी की अपॉन 10 ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा लो। तो 10 ए प्लस बी क्या होता है जी, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 10 ए 1 माइनस 10 ए 10 बी। ये तो जी ऊपर की वैल्यू निकली, नीचे अलग है, है ना, अपॉन 10 ए 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। कोई दिक्कत, चलिए 10 पाई बाई 4 क्या होता है जी, 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स होल अपॉन 1 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। अब क्या करेंगे जी, सीधा कर देंगे इसी को, है ना, करिए सीधा। तो ये आ गया जी आपके पास 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स इंटू 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स। क्या होता है, ये होता था ना a बाई बी अपॉन c बाई डी, क्या हो जाता था, a बाई बी इंटू डी बाई सी, ये होता था, वही तो करा है यहाँ पे। ये हो गया जी 1 प्लस 10 एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं जी ऐसे, 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। यही तो तुमसे मांगा था, यस प्रूव्ड, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। जल्दी से प्रूफ करते हैं इसको, टेकिंग LHS। तो cos pi प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन sin pi माइनस एक्स cos pi बाई 2 प्लस एक्स। तो cos pi माइनस एक्स cos pi प्लस एक्स ना, pi प्लस एक्स का मतलब किधर हुआ, इधर फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो ये हो गया जी माइनस cos x, cos ऑफ माइनस x होता है जी cos x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पॉजिटिव होता है साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा जी माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस गया, ये हो गया जी कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉट एक्स का होल स्क्वायर विच इज cot स्क्वायर x विच इज इक्वल टू RHS, hence proved, yes, मजेदार, चलिए बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो करें इसको जरा सॉल्व, क्या होगा, यस ये पाई बाई 2 होता है तो ये 3 पाई बाई 2 होता है, तो इसी से कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। तो हम पहले चलो LHS RHS तो ले लें, टेकिंग LHS कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स।
इज इक्वल टू वन प्रूफ करना है। तो कॉस 3/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया जी साइन एक्स। कॉस 2π प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो गया जी कॉस एक्स। इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं वहाँ, तो ये हो जाएगा जी टेन एक्स। कॉट 2π प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, ये हो गया जी कॉट एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। सिंपल अलजेब्रा लगेगी अब यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये? ये हो गया जी साइन एक्स कॉस एक्स। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इसने इसको काटा, बचा क्या जी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, है ना जी। बच्चे बच्चे को भी जिसका हो उत्तर मालूम, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न। चलो जी, कोई डाउट? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू नहीं है एक्स है। साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स, साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स, कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स को कॉस एक्स के बराबर प्रूव करना है। तो देखो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए साइन भी दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, कॉस ए कॉस भी दिख रहा है, बस टू का इंट्रोडक्शन तुम्हें कराना होगा। तो कैसे कराओगे? सबसे पहले तो टेकिंग एलएचएस लोगे। एलएचएस में क्या है? साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स कॉस ऑफ एन प्लस एक मिनट साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू टू टाइम्स साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स, ठीक, प्लस टू टाइम्स कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1/2 बाहर, यस, 2 साइन ए साइन बी यानी माइनस टू साइन ए साइन बी का मेरे पास क्या फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ बेटा? माइनस करके कर दूँ सॉल्व, ठीक है। ये प्लस में है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस, क्या था? कॉस ए प्लस बी बाई टू, बी बाई टू नहीं है, कॉस ए प्लस बी। है ना, प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक। वैसे ही 2 कॉस ए कॉस बी का मेरे पास क्या है जी? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां से आ जाएगा जी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट ओपन करते हैं जरा। तो ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं बेटा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो ये माइनस वाला क्या करेगा? माइनस कॉस एन प्लस वन एक्स प्लस एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स प्लस एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू एक्स, ऐसा आएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, यस। तो आप क्या करो, इसको इससे काट दो। क्या बच गया बेटा? यहां से आपके पास आया बहुत ही सरल सवाल, 1/2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स कॉस एन प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू एक्स आएगा।
बारी है क्या ब्रैकेट ओपन करने की, ये टू इसको ले गया, अंदर बचा कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स, है ना। इस एन एक्स ने इस एन एक्स को काट दिया, बचा क्या बेटा, यहाँ बच गया आपके पास कॉस ऑफ एक्स माइनस टू एक्स विच इज कॉस ऑफ माइनस एक्स, एंड यू ऑल नो दैट कॉस ऑफ माइनस एक्स इज वॉट कॉस एक्स। यही तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में है, इजंट इट, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, है ना। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोज में देखेंगे, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।